अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जरा नंद कितना मेकअप लगाती है। मुझे वीडियो में किसी ने कहा भी है कि आपकी नंद बहुत ज्यादा मेकअप करती है। इतना मेकअप है, चेक कर इसके पाउच में। मैं और मेरे लगाने के लिए आज कुछ भी नहीं है। मैंने देखा है ना, फेस पाउडर खत्म हुआ है। ये चेक कराओ मेरा। अच्छा जी, आज हम जा रहे हैं आपको आगे, नेक्स्ट हम आपको ब्लॉग का अपना दिखाएंगे। मैंने ये लगाया था पिंक, अब मैं ये लगा दूं। अगेन मेकअप, अगेन मतलब जब तक हम सारे रेडी होते हैं इसका दोबारा से मेकअप खराब हो जाता है, दोबारा से शुरू कर देती है। मैं सुबह की रेडी हुई हूं, ठीक है, और ये अभी तक रेडी नहीं हुई है, तो मैं जा रहा हूं टचअप करूं। जितनी गर्मी है ये सारा हमारा नुचड़ जाना है, बाहर जाते। अच्छा जी, कोई बात नहीं। ये देखें जी, ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? पिकनिक पे जा रहे हो जी। देखें जी, आज धूप अभी भी है लेकिन हम फिर भी जा रहे हैं पिकनिक पे। ये मैडम मेरे साथ साथ चिमनी भी है। अभी वो दूसरी मैडम भी चुड़ैल आने लगी है। ये देखो जी गाइस, आ गई मैडम। चलो अच्छा, ये देखें जी कैसे जा रही है। मेरा सेम नहीं सही आ रहा। ये कहाँ जा रहे हैं आप तीनों? हम तीनों जा रहे हैं, सिर्फ हम चारों। ये देखें, ये सीरियस हमारा बच्चा मंकी बेबी। देखें जी, आप लोगों ने ये मंकी बेबी को चेक किया, ये कैसे है? ये हर वक्त मंकी वाली हरकतें नहीं करता, हाँ वाली हरकतें इसकी है ना, है ना। शर्माता है ये हमारा बच्चा, बहुत शाय है। ये हमारी जन्नत रेडी है, अपनी ग्लासेस लगा के दिखाओ जरा जन्नत। यस यस, लुक एट दिस, क्या बात है, कितनी प्यारी लग रही है। चले जी, चलते हैं। अब हम चले चले जी, हमें देर हो रही है, बता देते हैं। स्टार्टिंग में तो बताया नहीं, मैं अभी बता देती हूँ। शफ़ा की तैयारी और मेकअप देख के तो मुझे भूल ही गया कि आज का हमारा व्लॉग है रोज़ गार्डन। रोज़ पार्क पहले, ओके, रोज़ गार्डन जा रहे हैं हम, ठीक है। हम उसी की तैयारी है एक्चुअली। हमने 4 बजे निकलना था तो, लेकिन हम लेट हो गए, तो ना हम जा रहे हैं। प्यारे लग रहे हैं, ऐसे बार बार पूछ, ब्लैक एंड वाइट लग रहे हैं। इसके भी थोड़ी सी अपनी बेस मेकअप थोड़ा सा कर देना। ये आपकी स्क्रीन गंदी है, ये देखें, ये अब हो गया। जब मैं इसको ऐसे रखती हूँ, फिर जब मैं ऐसे कर रही हूँ, अब नहीं हुआ टच, नहीं हुआ। अब चल रही है ना वीडियो, अब बन रही है जी वीडियो। ये देखें जी, भाभी आ गई है एक वाली, दूसरी वाली भाभी पता नहीं कब आएगी। और पसीनों पसीन हो गई हूँ मैं। अब इन्होंने फिर कहना मैं मेकअप टचअप करने चली जाऊँगी। इन्होंने कहना कि लो जी फिर मेकअप कर रही है। किसने वैसे कहा कमेंट्स में मेरे मेकअप के बारे में? बताना ना जरा मुझे, बताती हूँ मैं। सरो वो वाली जो की मामा साथ हमने प्लान बनाया, हमारे नेबर है, बड़ी अच्छी फैमिली, उनके साथ पिकनिक का। नाउ वी गो टू, चले जी। ड्राइवर हमारा रेडी है, इसमें इनके नंद रेडी, और हम जा रहे हैं जी। हम जा रहे हैं और वो हमारे साथ, हमारी आज मेरे से आ रही है, हमारी दोस्त बनी है, बहुत अच्छी, न्यू न्यू फ्रेंड्स और बहुत अच्छी हैं। अभी हमें उनसे पूछ लेंगे वो कैमरे में आना चाहती हैं कि नहीं। पीछे बोलना चाह रहे हैं तमीज से, तमीज से। आर यू रेडी फॉर पिकनिक? आज बहुत मजा आने वाला है। पता है बहरिया में आके ना, विंटर लैंड के अलावा ना, हमें कोई ऐसी जगह नहीं मिली बच्चों के लिए जो जहाँ पे बच्चे इंजॉय कर सके। तो इसलिए हमें बताया गया कि ये रोज गार्डन बहुत ही जबरदस्त है, तो हमने कहा क्यों ना आपसे साथ भी शेयर किया जाए। तो चले चलते हैं, ठीक है। बहरिया टोन में ना इन्होंने सारा नेचुरल यानी कि ब्यूटी रखी है, पिकनिक पे जा रहे हैं। सनत अब एक्साइटमेंट है, फुल फुल एंजॉय करेगी। अब हमें तंग करेगी जन्नत का मूड, मूड पे डिपेंड करता है। नहीं है अच्छा, हमारी जन्नत का मूड पर डिपेंड करता है कि वो एंजॉय करेगी या हमें करवाएगी, ठीक है। नंद आप बताना कि हम लोकेशन क्या बनती है, मतलब कि अगर किसी को आपने बताना चाहते हैं कि वो भी जाए। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ, आपने लाहौर बैरिया टोन आना है सबसे पहले, तो ठीक है। हमारे घर नहीं आना, घर नहीं आना, ठीक है। लाहौर बैरिया टोन आना है, वहाँ पर है तलवार चौक, तलवारे भी आपको हम दिखाते हैं, क्या शानदार तलवारे बनी हुई है जी। और यहाँ पर ये तलवार चौक पर है, अभी थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है ना, गार्डन, यस, ठीक है। सुना है कि ये बहुत प्यारा है, वैसे मैंने देखा नहीं, देखा होगा लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि वैसे मैंने काफी सारे पार्क देखे हैं। और वैसे भी वही देख, यही पार्क हमने छोड़ा था, क्योंकि ना हमने कहा देख लेते हैं। हाँ, जन्नत आना जन्नत, बिल्कुल। वैसे भी ये चेक करें, हम तलवारें नजर आ गई हैं, क्या आ गया तलवार चौक, ये चेक करें। नंद भाभी की लड़ाई हो ना, तो ये तलवार चौक पे आ जाए,
और यहाँ पे तलवारें पकड़ ले। ये जब भाभी मुझे तंग करती है ना तो मैं तलवार चौक पे आके ना तलवारें उतार के ना ये खेड़ने में, वैसे भाभी मैं आप ही फिस जाऊंगी। ये तलवारें जो खेड़ेगा ना किसी के लिए उसके ऊपर ही गिरेंगी। अच्छा वैसे आपको हम मजे की बात बताते हैं कि हम खुद आगे वाली गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमें कंफर्म नहीं पता। देखिए गाड़ी हमारे आगे आ गया, नेबर भी बताती उन्होंने लेके जाना। लाउडली बोले। अच्छा उनके पुलाव की खुशबू मुझे यहाँ तक आ रही है। अच्छा वैसे भाभी आपने क्या बनाया? उन्होंने पुलाव बनाया, हमने आलू चने, इजी वाली चीज। आलू चने बनाया भाभी ने, फटाफट भाभी ने कहा मैं आलू चने बनाऊंगी, ठीक है। और क्या है साथ में, हम लेस की चिप्स के पैकेट्स पकड़ लिए हमने। हाँ जी ठीक है, नींबू ले लिया है साथ में, हमने कोका कोला ले लिया है और स्प्राइट ले लिया। पिकनिक ना हो गई, मजा आता है। ये लाओ आलू चने। हाँ और हमारे कौन सी पिकनिक है वो ले लिया हमने, चटाई पिज्जा खाने चले जाओ। हाँ और चाय का क्या, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ वो छोटी भाभी हमें सेकंड कप से चाय पिलाएगी। ओह माय गॉड, आलू चने तो सस्ते थे, ये सेकंड कप की चाय पीना थोड़ा मसला है। छोटी भाभी कह रही है मैं तो बड़े गलत टाइम पे बोल रही हूँ। अच्छा मैंने पीछे रहना है। हाँ जी पीछे रहना है। वो बहुत स्लो स्लो गाड़ी चला रही है। आपको बताऊँ बैरिया टोल में जो मोस्ट फेवरेट मेरी जगह है ना वो ये नंजियम आगे आ गया। अच्छा वो थोड़े मैं आपको पहले बता दूँ कि बैरिया टोल में जो सबसे प्यारी जगह है ना वो ये मस्जिद है। क्या इन्होंने खूबसूरत मस्जिद बनाई है। गर्मियों में आपके बिल की बचत एसी लगा होता है, यहाँ पे आके सारा दिन गुजार दो लेकिन कोई पूछता नहीं है। ऐसा भी नहीं है, जुमे वाले दिन बड़ा रश होता है, एसी भी नहीं, मतलब के ना बस गर्मी लग रही है। एसी के पास आके पहले बैठ जाते हैं, बोर्ड से ही नहीं है ना। वैसे नो डाउट बहुत प्यारी मस्जिद बनी है। दिल करता है कि हर नमाज यहाँ पढ़े। भाभी कैमरा नीचे जा रहा है आपका। वैसे हम स्पेशल जुमे की नमाज पढ़ लें, जुमे की नमाज पढ़नी आते इसका ब्लॉग करेंगे इंशाल्लाह, नमाज का भी ब्लॉग करेंगे। अच्छा दूसरी बात ये कि आपको जो मैंने पहले बताया था जो लोकेशन बताई थी, हाँ ये उससे थोड़ा डिफरेंट किया था, बड़ा मजा आया। ये चेक करें ये लोकेशन कुछ और बन रही है, दूसरी है एक्चुअली, हमें पता नहीं ना था अभी करना। फाइनली लगता है ये आ गया वाला पार्क आ गया। ये है जी ये देखिए जी हमारे पिकनिक का सामान रेडी है, फुल पिकनिक पिकनिक सीन चल रहा है, फुल मेरी मेहनत है यहाँ तक लाने में, यहाँ तक लाने में घर हमारी भी है। जी पार्क कितना प्यारा पार्क है, वैसे यकीन करें इस ये पार्क देखकर मुझे सोदिया का याद आ गया। अच्छा वहाँ पर भी इतने प्यारे प्यारे पार्क हैं। अच्छा अच्छा मुझे लगता है हम तो वक्त से पहले ही आ गए, फंक्शन पे टाइम से, बाद में जाने की और पार्क में जल्दी आने की। ये खजूर लगी हुई है, मुझे खाना जी। अच्छा पार्क लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा जी, जी, जी अच्छा जी हमारी न्यू दोस्त बनी है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी बातें करती है। बन गई है। हाँ हमें ना हमारे जैसी मिल गई है। चलो चलो झूले भी हैं काफी, ये प्यारा। हाँ साफ सुथरा और नीट क्लीन और अच्छा पार्क। अच्छा पार्क कोई कचरा नहीं है पहले। हाय व्लॉग, सबसे अच्छी बात यहाँ पे कचरा नहीं फैला। देखो मेरा आइडिया। अच्छा अभी रात हो गई है रात। अच्छा भाभी मुझे पता कहने कड़ी तुम्हारी वीडियो तो नहीं सही आ रही, तुम काली काली आ रही हो, मुझे कहनी थी अभी पहले ही। वरना कहती ओहो मैंने तो चश्मा लगा रहा है। बहुत अच्छी स्लाइड है, मैं लगाती हूं। ये बच्ची जैसी जैसी वाओ ये देखो। ये देखे जी जबरदस्त अभी सीजन नहीं है ना, गर्मी है ना, गुलाब जल जाता है। ये देखें छोटा छोटा सा गुलाब। फिर भी जो मर्जी है देखें ना कितना प्यारा बना हुआ और इतना भरा ये पार्क है। माशाल्लाह मेरे जैसा खूबसूरत माशाल्लाह। अच्छा ये देखें वैसे ना यकीन करने गर्मी में हमारे जैसे वो बंदे होते हैं जो गर्मी च भी ना जिन्होंने चैन नहीं होता घर बैठन का।
हमारा वो हिसाब है, लेकिन इंजॉय करना जरूरी होता है लाइफ में, ठीक है। मौसम थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है, हाँ मौसम अब चेंज होता जा रहा है, अब उस तरह का वॉशरूम में बैठ के ना गर्मी नहीं लगती। भाभी ये देखिए आपके लिए मैंने ये गाड़ी बुक करवाई है, चलेगी भाभी आप इसको चला लें, आप तो वैसे चलने वाली गाड़ी को भी जैसे चलाती है ना, इसको भी चला ही लेंगे, इसको भी आप चला ही लेंगी। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये एरिया एक लैदा से बनाया गया है इसके अंदर, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे फोटोशूट बहुत अच्छा हो सकता है और शफक की वीडियो बहुत अच्छी बन सकती है, टिकटॉक वीडियो ज़बरदस्त बनेगी यहाँ पर। देखें चेक करें ज़रा, शफक खजूर उतार के खाने लगी है भाभी के लिए तोहफा। हाँ जी चेक करवाएँ ज़रा भाभी, चेक करें। अच्छा अच्छा आपको बताऊँ ना, अपना व्लॉग हमने छोड़ के ना हमारा स्लोमो और हमारी वीडियो शॉर्ट्स शुरू हो गई थी, अब जरा हम टॉपिक पे आते हैं, हमारे स्लोमो शुरू हो गए थे। अच्छा जी, वैसे बेसिकली हमारा टॉपिक आज ये है, क्या होता है, हमसायों के हकूक। हाँ वो है, ठीक है वो है, ठीक है, हमसायों का पूरा पूरा हकूक होता है, उनका हक अदा करना चाहिए। वैसे कर वो रहे हैं ज्यादा। देखिए मेरे से ज्यादा ना वो, हाँ मैं कहती हूँ नंदी है कि फोटो शूट और वीडियोस में पागल, यहाँ पे तो और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं ऐसे नहीं हूँ, यकीन करो, मैं चेक करे उनका स्टिल, जब से आया ना उनका फोटो शूट चल रहा है, चेक करे। मैंने क्लासेस लगा ली है और बच्चे हम भूल गए कहाँ पे हैं, बच्चों को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि बच्चों के लिए खेलने के लिए काफी चीजें हैं। हाँ चलो यार भूख लग गई, वीडियो हो गया, अब हमें बड़ी जोरदार सी लग रही है भूख, इससे पहले कि हम कच्ची खजूरें उतार उतार के खाएं, क्यों नंद, नंद तो खाने लगी थी, ठीक है कच्ची खजूरें उतार, तो चले हम जो खाना लेके आए हैं वो खा लिया जाता है। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नंद का आना मना है, हाँ ठीक है खबरदार, फूल तोड़ा नहीं, नहीं मैंने नहीं तोड़ा, हाँ वीडियो में ले आऊँ आप लोगों को। प्यास लग रही है और पुलाव की खुशबू से भूख भी लग गई है भाई, चलो अभी पिला दो हमें पानी, चेक करें जी हमारा प्रॉपर सामान पिकनिक का, पानी चेक करें, नंद अपने वजन से ज्यादा वजनी और बड़ा तेज का उठाने लगी है। अच्छा हमने ना कुछ और चीजें भी रखनी है, डिस्पोजेबल भी सब कुछ है वैसे हमारे पास, लेकिन हमने एक्स्ट्रा किया सारा, ठीक है वो रखा है, वो रखा है, चले जी और भी आ गया हमारी, चेक करके उठ जाया नहीं, इतना भारी नहीं है, चले हाँ बिजली बंद करो, सामान चेक करें, मैंने कहा ये ऐसे लग रहा है जैसे 2-3 घंटे की ट्रैवल करके हम आए हैं और खाना लेके आए हैं, बड़ी भूख लग रही है, पूरे चेक करें, नंद को चेक करें खाते हुए पसीनो पसीन, मैंने देखा बाल बाल गर्मी, ये चेक करें गुजाला जी को, मेरी प्लेट अभी लाओ, हाँ खाली अभी लाओ, सबको तकसीम करते हुए पुलाव बनाया और बहुत ही मजेदार, मैंने तो जल्दी से कहा कि जल्दी से मैं खाने की शुरू कर दूं, मजे का बनाती हैं इनका, मैंने ये व्लॉग बना लेना है रेसिपी का, खाई जा रही है, खाई जा रही है, अब बारी आई है ये चेक करो क्या काम किया नंद ने, क्या किया, अब वो सारे आ गए उसके रिश्तेदार, करें जरा पूरा देश का खाली हो गया, नंद का खाना नहीं खत्म, मैं नहीं खाया सारा, हाँ चेक कर सारे बच्चे और सारे लोग उठ गए, हाँ फिर भी स्मार्ट है, खाती ये है ना प्यार बड़ा है हमारा लगता मुझे, लगता सब वैसे खा खा के मैं थक गई हूँ, हाँ थक गई हूँ,
अच्छा तुम्हारा ना वो नेचुरल मेकअप उतर गया टचअप की जरूरत है दुपट्टा आती है। yes. मैं एक ग्लास पीती हूँ बाकी सब बच्चे पी जाते हैं। थैंक यू। और बदराम मैं मेरे के अपने अपने हस्बैंड्स की ना ये सब ना खूबियाँ बता रही हैं। लो जी बच्चे आ गए कर रहे हो हाँ हाँ मैंने देखी है वो देखो वो देखो भाभी भाभी कल से स्मार्ट होने लगी हैं। भाभी कह रही है मैंने कल से वॉक करनी स्टार्ट कर देनी है अभी यहाँ अभी से ट्राई करिए भाभी जैसे जूता पहन के आई है चप्पल इसे भाभी अभी वॉक करनी स्टार्ट करेंगी और भाभी हो जाएंगी स्मार्ट। देखे ना भाभी ने स्मार्ट हो जाना है फिर आप सबने कहना है नंदनी स्मार्ट भाभी स्मार्ट है। हाँ सारे सूखे गुलाब को देख के गुलाब सड़ गए एसन भाई हाँ वो लगा हुआ चलो आ जाओ बेटा चलें जी वाइंड अप पिकनिक खत्म वो उस साइड पे गए हुए। अच्छा जी अब हम जा रहे हैं घर वापस बहुत मज़ा आया बहुत इंजॉय किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी हमारी वीडियो फुल वॉच करेंगे और आपको बहुत पसंद आएगी। अभी आगे का सीन बाकी है वेट करो चेक करें जी पिकनिक से जाते हुए अब हम कपड़े ब्रांड के हाँ अब चेक करें मुझे मेकअप नहीं हिला क्योंकि इतना ढेर मेकअप लगा था ना ढेर का क्या मतलब है हमारी पिकनिक अब सारी कंप्लीट हो गई है पिकनिक निकल गई है बस अब हमें छोटी भाभी खिलाने लगी है आइसक्रीम तालियां जबरदस्त आइसक्रीम हो गई है कैंसल थोड़ा मोटा जा रहे हैं भाई की आइसक्रीम ना बहुत सस्ती है हमने सोचा क्यों ना महंगी वाली खाएं हाँ महंगी मैडम उसको